हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने मैं बादाम के लड्डू की रेसिपी को शेयर करना चाहूँगी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये अंदर से। चलिए आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है, उसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन बजाइए, जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। बादाम के लड्डू के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुछ काजू लिए हैं, थोड़ी सी ली है यहाँ पे किशमिश, और यहाँ पे लिए हैं कुछ खरबूजे के बीज, और ये है मखाने, और यहाँ पे लिया है कुछ पिस्ता। ये किराना स्टोर में आसानी से अवेलेबल होते हैं सारे। ये लिया है बादाम, ये है पिसा हुआ नारियल, और यहाँ पे आज इस बार हम चीनी की जगह गुड़ यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने पैन अपना गर्म किया है और इसमें डाल दिए हैं बादाम। अब हम इनको 5 से 6 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। धीरे धीरे ये अपना कलर भी चेंज करते रहेंगे और बादाम में बीच में से दरारें भी आना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, इसमें धीरे धीरे करके दरारें आना शुरू हो रही हैं। आप इन लड्डुओं को एक बार बना के काफ़ी लंबे समय तक, यानी 1.5 से 2 महीना बना के इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे बादाम अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, हम इनको प्लेट में निकाल देंगे। अब हम मखाने ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें इसे सिर्फ 4 से 5 मिनट ही रोस्ट करना है, वो भी कम आंच में। ये सारा काम हम कम आंच में, लो टू मीडियम फ्लेम में कर रहे हैं। और मखाने रोस्ट होने के बाद क्रंची से हो जाते हैं, आप इन्हें अपने फिंगर्स के बीच में दबा के भी देख सकते हैं। और ये भी अपना धीरे धीरे कलर चेंज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। ऐसे ही हमने अब नारियल के बुरादे को भी ड्राई रोस्ट किया है, इसको भी हमें 5 मिनट तक हल्की आंच में रोस्ट करना है बिना घी के। और ये देखिए, धीरे धीरे करके ये अपना कलर भी चेंज कर देगा और इसके से इस एरोमा भी बहुत अच्छी आ रही है रोस्ट करते करते। तो इसको कंटिन्यू आप चलाते रहिए, नहीं तो ये जलने के इसके चांसेस होते हैं, तो आप इसको चलाते रहिएगा कंटिन्यू। अब 5 मिनट बाद इसका कलर हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है। अब हम इसको भी एक प्लेट में निकाल देंगे। अब यहाँ पे जो हमने बादाम रोस्ट किए थे, उसको हम मिक्सी में उसका पाउडर फॉर्म बना लेंगे। ये देखिए, बन चुका है पाउडर फॉर्म। अगर आपको इसमें थोड़े थोड़े बादाम के पीस दिखें तो आप एक बार इसको दोबारा से मिक्सी को चला लीजिए। और इसको हमने अब निकाल दिया है एक बर्तन में। इसी तरीके से हम नारियल के बुरादे को और जो हमने गुड़ लिया था उसको भी डाल देंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे गुड़ को मिक्स करने के लिए ही हम नारियल को डाला है हमने इसमें। अब ये कम्प्लीटली मिक्स हो चुका है, इसको भी अब हम बादाम के पाउडर के साथ रख देंगे। अब यहाँ पे हमने वही पैन ले लिया, उसमें 2 चम्मच घी ली है हमने। घी को गरम करने के बाद हम इसमें बचे हुए जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उस सबको डाल देंगे, काजू, पिस्ता, किशमिश और खरबूजे के बीज सब डाल दिया है हमने इसमें। और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच में फ्राई करेंगे। किशमिश फूल जाएगी थोड़ी, और जो ये बीज हैं ये भी अपने साइज़ में थोड़ा डबल हो जाएंगे, और जो काजू हैं और जो पिस्ता है इसमें सब अपना हल्का हल्का करके कलर चेंज करेंगे। इसको आप कंटिन्यू चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे से जलने का इसका डर रहेगा, तो इसीलिए कुछ। ये देखिए, अब 3 से 4 मिनट बाद इसका भी कलर चेंज हो चुका है, ये भी अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसको जो हमारा मिक्सचर था उसमें डाल देंगे। अब ये जो हमारा मिक्सचर है इसमें हम मखाने डालेंगे। और अब ये जो मिक्सचर है ये हमारा लड्डू बनाने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इसको हाथ में मुट्ठी में थोड़ा सा लेके और
बिल्कुल एकदम टाइट से बाइंड करना है। अगर ये बंध जाते हैं तो इसका मतलब मिक्सचर आपका बिल्कुल रेडी है। अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो, मिक्सचर ना बंध रहा हो एक साथ, तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। अब इसको धीरे धीरे हिलाते हिलाते आप गोल करिएगा और आपके ये जो लड्डू हैं ये बन के तैयार हो जाएंगे। ये बन गया है हमारे लड्डू। अब हम ऐसे ही करके सारे लड्डू बना लेंगे। और ये बिल्कुल एनर्जी बॉल्स नाम इनका बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि इसको खा के बॉडी में थोड़ा एनर्जी आ जाती है और बहुत टेस्टी होते हैं ये। और अगर आपने ये लड्डू डालडा में बनाए हैं तो आप इसको फ्रिज से बाहर ही रखिएगा लड्डू को। अगर आपने घी में बनाए हैं तो आप इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और इस चैनल को आप 1K से ज़्यादा तक पहुंचा दीजिए। अभी 1K पहुंचने वाला है। आप लोग का इतना ही प्यार, इतना ही सपोर्ट मेरे को मिला है। आशा करती हूँ आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।